दिन को बनाए मैजिकल। ब्लैक मस्ती, कड़क चाय, एक कप चाय जिंदगी के नाम। वसई पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गिरीज में एक 38 वर्षीय महिला को गोली लगने की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल गिरीज बरमाले तालाब के पास रहने वाली सरिता भोईर सुबह 12 बजे के आसपास घर काम कर साइकिल से बादामी स्टाफ के पास से गुजर रही थी। उसी समय मावी को बंगले के मालिक माइकल कुटिनो अपने पालतू कुत्ते को आवारा कुत्तों के द्वारा काटे जाने पर उन्हें मारने के लिए एयर गन से फायरिंग कर रहे थे, जिस पर एयर गन की गोली सरिता के पैर में जा लगी, जिससे वह जख्मी हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वसई पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। वहीं घायल को इलाज के लिए बंगली अस्पताल में ले जाया गया है। वहीं भोईर के शिकायत पर वसई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सर, गिरीज क्षेत्र में आज फायरिंग हुआ, क्या मामला है? आज 12:45 के आसपास एक माइकल जॉन कुटिनो करके 72 इयर्स ओल्ड आदमी, वो रहता है लेम्बटवाड़ी गिरीज में। उधर उसके जो कुत्ता है, तो कुत्ते को भटकने वाला कुत्ते ने काटा। गुस्से में उसने एयरगन से, वो जो कुत्ता है उसके दिशे में फायर किया एयरगन से। तो फिर सामने वाले एक सरिता भोईर करके लड़के आ रहे थे, उसको एयरगन का छरा लगा, वो जो इंजर्ड है उसके ऊपर उपचार बंगला अस्पताल में चालू है। इस मामले में किस तरह का मामला दर्ज हुआ, क्या हुआ? इसके बारे में वसई पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर हो गया अंडर सेक्शन 336-338 IPC। सर, हथियार था वो लाइसेंस शुदा है कि? वो एयरगन है, उसके घर में से 2 एयरगन पुलिस ने जब्त किया है, आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपी की पकड़ धकड़ हुई है? आरोपी को इंक्वायरी पर लाया है, इंक्वायरी जारी है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।